करता हूँ सेकंड ईयर हिंदी माध्यम के छात्रों, जैसा कि कल मैं एक वीडियो इसके पहले मेरा जो आया उस वीडियो में हमने डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C-82 को शुरुआत की थी और अंडर सेक्शन 80BB तक मैं गया था और बाद में कहा था कि इसके आगे का जो पोर्शन है हम अगले वीडियो लेक्चर में दिखाएंगे। और लीजिए अब ये वीडियो लेक्चर के थ्रू मैं आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित। चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 4 का एक भाग है जो कि इनकम टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C-80U। अब इसमें हमारे जो, जैसा कि कल मैंने कहा था कि ये डिडक्शन क्यों दिया जाता है, टर्म वेरी क्लियर थी कि भी किसी भी व्यक्ति की जो इनकम होती है इनकम टैक्स उस पर पूरा नहीं लगता है, गवर्नमेंट की तरफ से उसको छूट दी जाती है कि यदि उसने कुछ खर्चा किया या कुछ इन्वेस्टमेंट किए और वो धारा 80 के अंतर्गत यदि फिट बैठते हैं तो उसको उसकी इनकम में से अमाउंट घटाया जाता है और बची हुई रकम के ऊपर में उसको टैक्स लगता है। तो टोकन मैंने बोला भी था कि यदि उसकी इनकम 10 लाख रुपये है और यदि उसका अंडर सेक्शन 80 में डिडक्शन यदि मान लो 3 लाख रुपये होता है तो टेक्निकली उसको जो टैक्स बैठता है वो बैठता है 7 लाख। ये मोटी सी बात समझा, यही वो बात है कि ये जो 3 लाख है या 4 लाख है या 5 लाख है 6 लाख है, ये जब डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C मिल रहा है तो कौन कौन सी धाराओं पर मिल रहा है। पहले मैंने बताया था, एक बार ब्रीफ कर दूँ आपको, 80C 1.5 लाख रुपये तक डिडक्शन मिलेगा, 80CCC नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत 50,000 तक डिडक्शन मिलेगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D टोटल मैंने बताया था कि 50,000 75,000 1 लाख रुपये तक डिडक्शंस है, 80DD उसमें हमने देखा कि फिजिकल हैंडीकैप के ऊपर में डिपेंड करता है और यदि आपने एक्सपेंडिचर किया है तो व्हाट्सएवर इसमें भी एक्सपेंडिचर आपको 75,000 और से लेकर 1,25,000 तक डिडक्शंस है। उसके बाद 80DD में जब आए तो आपके ऊपर में कोई डिपेंडेंट व्यक्ति यदि सीवियर बीमारी से पीड़ित है और उसका आप इलाज करा रहे हैं और उसकी उम्र यदि 60 साल से कम है तो आपके द्वारा किया गया खर्चा है 40,000, दोनों में से जो कम है वो डिडक्शन से मिलेगा। और यदि उस व्यक्ति की उम्र 60 साल से ऊपर है तो खर्च की रकम या 1 लाख रुपये इन दोनों में से जो कम है वो आपको डिडक्शन से मिलेगा। उसी डिडक्शन को आगे हम बढ़ा रहे हैं। अब आता है 80E की धारा जो है, ये धारा है इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। आप सारे के सारे विद्यार्थी, आपको पता है कि हमारे माँ बाप लोग जब आप लोगों को पढ़ाते हैं तो कई बार पैसे का प्रॉब्लम जाता है, लेकिन गवर्नमेंट की कई स्कीम्स हैं, बैंकों की स्कीम्स हैं, उसमें ये फैसिलिटी दी गई है कि आप चाहो तो एजुकेशन लोन ले सकते हो। और जब बैंक से लोन लोगे तो चाहे लोन कोई भी हो, लोन तो लोन है, उस पर ब्याज तो देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो लोन आप ले रहे हैं वो टेकन फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन की परिभाषा आपको ज़्यादा कुछ डीप में पढ़नी नहीं है, कक्षा 12वीं के बाद जो भी पढ़ाई आप कर रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सीधा सिंपल उसको बोल दिया है कि जो लोन इज टेकन फॉर एजुकेशन आफ्टर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, मतलब बने जाकर 12वीं की परीक्षा के बाद जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए जो आपने लोन लिया हुआ है उस लोन पर जो भी आप ब्याज चुकाएंगे वो ब्याज पूरा का पूरा धारा 80E के अंतर्गत आपको, यानी कि जिसने लोन लिया है उस 80E को। अब लोन आप ये बोल सकते हैं कि सर लोन लेने वाले का ही पढ़ना जरूरी का, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो ए नाम का व्यक्ति है, इस ए नाम के व्यक्ति ने खुद के हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया हो, चाहे पत्नी के हायर एजुकेशन के लिए लिया हो या लड़के के लिए लिया हो या लड़की के लिए लिया हो, लेकिन ये तय है कि जो वो व्यक्ति जिसके हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया जा रहा है वह इस ए नाम के व्यक्ति के ऊपर में डिपेंड होना चाहिए, नहीं तो ये पूरा नगर भोज करने के लिए किसी को भी पढ़ा रहा और बोल देगा मैंने एजुकेशन लोन लिया, ऐसा होता नहीं। उसके ब्लड रिलेटेड जो आएंगे बने जहाँ तक वो सेल, उसकी वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, लड़का और लड़की, उनके हायर एजुकेशन के लिए। अब ये लोग सर इंटरेस्ट कितना, इसकी कोई लिमिट नहीं है, हाँ लेकिन इसमें एक बात जरूर कानून में बोला हुआ है कि ये इंटरेस्ट की फैसिलिटी आपको अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल तक डिडक्शंस अलाउड होगा। यदि आपका लोन पहले ही ख़त्म हो जाता है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर मेरा लोन तो ख़त्म हो गया, इंटरेस्ट मैंने पे नहीं किया, तो भी 8 साल तक क्या, नो लिमिट है। इंटरेस्ट जितने साल आप पे कर रहे हो और मैक्सिमम 8 साल, दोनों में से जो पहले आएगा वो आपको डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। तो आप एजुकेशन लोन लीजिए, बढ़िया, पप्पा को बोलिए कि हमारे पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लीजिए,
उसका इंटरेस्ट उनको भरने दो, और यदि आपके पेरेंट टैक्सेबल पर्सन है तो उनको इसका बेनिफिट मिलेगा, आपको भी बेनिफिट मिलेगा, राइट? ओके, ठीक है। नेक्स्ट ATG, ये है खतरनाक डिडक्शन जो एक वीडियो लेक्चर में तो आता नहीं है, फिर भी कोशिश करूँगा, जो कि आपके क्लास का जो लेवल है और जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का लेवल है उसमें आपको ये यूनिट 4 के अंतर्गत थेरिटिकल पोर्शंस के लिए दिया गया है। इसका मतलब इस पर बड़े न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको आएंगे नहीं, लेकिन अब चूंकि यूनिवर्सिटी की जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होने जा रही है और आपको भी बने जहाँ तक 99% उसी मोड में एग्जामिनेशन देना है, तब इसके ऊपर में क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। मैं अभी एक दो दिन के बाद में PDF भी डाल रहा हूँ क्वेश्चन पेपर की, जिससे कि आपको उसका प्रैक्टिस करने में आसानी जाए, तब आपको समझ में आएगा। अब ये क्लास डोनेशन का है, मतलब एक टैक्सेबल व्यक्ति असेसी यदि अपनी इनकम में से डोनेशन देता है तो ये डोनेशन धारा 80G के अंतर्गत वो डिडक्ट कर सकता है। लेकिन ये डोनेशन के कुल मिलाकर के 4-4 पार्ट्स हैं, जिसमें का पहला पार्ट्स है नो लिमिट कैटेगरी का डोनेशन। नो लिमिट कैटेगरी का मतलब आप जितना चाहे डोनेशन दो, सारा का सारा डोनेशन आपका डिडक्शन के लिए अलाउड हो जाएगा, बट इतना ख्याल रहे ये डोनेशन आपकी इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता। और मैंने शुरू से ही कहा है कि कोई भी व्यक्ति की इनकम जितनी है डिडक्शन उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता, ऐसा पागलपना करना मत, क्योंकि कानून भी यही बोलता है कि तुम किसी आदमी को उतना ही दे सकते हो जितना तुम्हारी जेब में। नहीं तो तुम बोलोगे सर मेरे पास की इनकम थी 10 लाख और मैंने सारा को डिडक्शन दे दिया 20 लाख का, ये मानकर कि अगले साल में मुझे 10 लाख का स्पेशल डिडक्शन मिलेगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। और रही बात आपकी इनकम ही भाई साहब 10 लाख रुपए है, तो तुम कहाँ से डिडक्शन 20 लाख का मार लोगे? आप बोलोगे सर हमने लोगों से उधार लिया पैसा, ये ऐसी बात चलती नहीं। ओके, तो ये देखिए डोनेशन में कुछ 17-18 ऐसी पार्टी, जैसे कि अभी कोविड का पीरियड चल रहा है, तो कोविड के अंदर में प्रधानमंत्री कोविड राहत निधि में जो भी टैक्सेबल व्यक्तियों ने पैसा दिया है वो 100% नो लिमिट डोनेशन का है। जितना पैसा उन्होंने दान दिया सारा का सारा आपको अलाउड हो जाएगा, ठीक है? उसके अंदर में प्रधानमंत्री बाढ़ जो आती है विपत्ति, PM रिलीफ फंड है, नेशनल जो राष्ट्रीय आपदाएं आती है उसके अंदर में पैसा है, रिसर्च इंस्टीट्यूट को आपने पैसा दिया है, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है जो कि भी देश के हित में राष्ट्रीय हित में रिसर्च के काम कर रही है, इन्वेंशन के काम कर रही है, खोज के काम कर रही है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी आपको मैंने जो PDF भेजा हूँ उसके अंदर भी दिखाई देगी। करीब करीब 18-19 आइटम्स है उसमें किया गया डोनेशन 100% अलाउड। फिर इसके अंदर में दूसरी कैटेगरी की लिमिट नहीं है, लेकिन आप जितना डोनेशन दोगे, नो लिमिट का मतलब पैसा 1 लाख रुपये दिया पूरा का पूरा अलाउड, 2 लाख दिया अलाउड, 3 लाख दिया अलाउड, 13 लाख दिया अलाउड, एज इट इज, इसका मतलब है 100% नो लिमिट। 50% नो लिमिट का मतलब है आपने 5 लाख का डोनेशन दिया तो आपको 2.5 लाख तक डिडक्शन मिलेगा। आप बोलेंगे सर फिर ये नो लिमिट का मतलब क्या हुआ, 5 लाख में से 2.5 लाख का डिडक्शन मिल रहा है तो लिमिट होगी ना? नहीं, नो लिमिट का मतलब 5 नहीं, यदि आप 15 लाख भी डोनेशन देते हैं तो जो फिर आपको 7.5 लाख का डिडक्शन मिलेगा। आप 1 करोड़ 50 लाख का दे दो आपको 7,50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर जितना दे रहे हैं पूरा मिल रहा है, या जितना दे रहे हैं उसका 50%। इसके बाद में और एक हेड्स आता है, हाँ ये जो है 50% लिमिट, इसके लिए तो आप सीधा सीधा जवाहरलाल नेहरू जी के खानदान को याद रख लीजिए, तो उसमें हो जाता है जवाहरलाल नेहरू फंड, इंदिरा गांधी फंड, राजीव गांधी ट्रस्ट फंड को दिए हैं तो 50% डोनेशन अलाउड है। उसके अलावा प्रधानमंत्री सूखा राहत, नेशनल विपत्ति अलग है, बाढ़ अलग है, भूकंप अलग है, लेकिन ड्रॉप रिलीफ फंड के अंदर में पैसा देते हैं तो 50% तक अलाउड। उसके बाद में दूसरी कैटेगरी है डोनेशन की, अप टू 10% ऑफ इनकम। अप टू 10% ऑफ इनकम का मतलब है एक व्यक्ति यदि उसकी
ये देखिए इनकम है 1,00,000 रुपए, राइट। 1,00,000 रुपए के 10% कितना होता है 10,000। तो रूल ये कहता है कि ये दोनों कैटेगरी में जो दिया गया डोनेशन है, ये किसी भी हालत में उस व्यक्ति की टैक्सेबल जो उसकी पूरी इनकम आ रही है सारे डिडक्शन घटाने के बाद, यानी उसकी मान लो इनकम है 10,00,000 रुपए, देखिए यहाँ पर, और उसमें से 80 के सारे डिडक्शन ये छोड़कर, 80G और 80GG को छोड़ के सारे डिडक्शन मान लो आपने घटा दी, वो हो गए 4,00,000 रुपए, ठीक। तो 10 में से 4,00,000 जाके बचा कितना 6,00,000 रुपए, 6,00,000 के 10% यानी कि 60,000, बस इतना ही डिडक्शंस आपको यहाँ अलाउड है, उससे ज़्यादा नहीं। और उसमें भी ये जो 100% डोनेशन है ये एक ही कैटेगरी के लिए है, यदि करदाता ने परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत कहीं पर डोनेशन दिया है तो डोनेशन के 10% उसको, सॉरी डोनेशन जो दिया है तो 100% अलाउड है और बाकी सारे के सारे डोनेशन 50% अलाउड। तो इस तरह से धारा 80G का डोनेशन हो गया। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी है वो ये है, पॉलिटिकल पार्टी को यदि आप डोनेशन देते हैं तो वो चेक में ही चाहिए। यदि आप पॉलिटिकल, वैसे तो मैक्सिमम इसके अंदर में डोनेशन चेक में ही होना चाहिए, कैश में भी चलता है, लेकिन इफ द डोनेशन इज गिवन टू पॉलिटिकल पार्टी, जो भी है, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट, जिसका नाम लेना जिनके बैठो, आप उन पार्टीज को डोनेशन दे सकते हैं, वो डोनेशन भी अंडर सेक्शन 80G अलाउड है, लेकिन ये डोनेशन किसी भी हालत में कैश में नहीं चाहिए, प्लीज। और ये आपको ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस में आएगा, बता दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन कैसे आएगा कि डोनेशन गिवन टू पॉलिटिकल पार्टी इन कैश इज अलाउड अंडर सेक्शन 80G। आपको मेरा वीडियो याद रहेगा कि सर ने बोला था पॉलिटिकल पार्टी को दिया गया डोनेशन अंडर सेक्शन 80G अलाउड है, गलत, मैंने वर्ड इस्तेमाल किया हूँ, पॉलिटिकल पार्टी को दिया गया कोई भी डोनेशन जो चेक में दिया है तो ही उनको 80G में अलाउड है, यदि डोनेशन कैश में दिया जाता है तो डोनेशन डिडक्शंस की छूट मिलेगी नहीं, ओके। मतलब पॉलिटिकल पार्टी को कैश डोनेशन देना नहीं। चलिए उसके बाद में आते हैं 80GG, ये 80GG की फैसिलिटी खासकर उन करदाताओं के लिए है जिनका खुद का घर भी नहीं है और कंपनी या जहां पर वो नौकरी कर रहा है उन्होंने भी रहने के लिए घर नहीं दिया है और उनको हाउस रेंट अलाउंस भी नहीं दिया जा रहा है। टिपिकल आइटम्स है, यदि आप इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ते हैं पूरा तो ध्यान में आएगा, लेकिन समझने के लिए आप समझ लो कि एक व्यक्ति जिसे HRA नहीं मिलता, उसका खुद का घर नहीं है, जहाँ नौकरी कर रहा है उसने रहने के लिए मकान नहीं दिया, मतलब खुद का घर नहीं नंबर एक, जिस कंपनी में या काम कर रहा है उसने भी मकान नहीं दिया नंबर दो, और नंबर तीन उसको HRA नहीं मिल रहा है, तब उसको स्पेशल डिडक्शन मिलता है वो तीन कैटेगरी में, जब उसका खुद का घर ही नहीं है, उसको रहने के लिए कंपनी ने भी मकान नहीं दिया, तो सीधी बात हो किराए के घर में रह रहा होगा, जब किराए के घर में रह रहा होगा तो किराया भी चुका रहा होगा, तो चुकाया गया किराया रेंट पेड माइनस 10% ऑफ इनकम। यदि वो किसी मकान में रहता है और साल भर का किराया यदि उसका मान लो 13,000 रुपये, साल भर का किराया उसका 13,000 रुपये, और उसके हिसाब से देखो उसकी इनकम मान लो, क्योंकि 80G घटाने के बाद नहीं आएगा, ये भी रूल का मतलब होता है, टोटल इनकम माइनस अदर डिडक्शन 1,30,000 रुपये, उसने रेंट पेड किया है 1,30,000 रुपये का और उसकी टोटल इनकम डिडक्शन घटाने के बाद आ रही 6,00,000, तो 6,00,000 के 10% कितना हो गया 60,000, 31 में से 60,000 गया, बचा कितना 70,000, राइट। ये अथवा 5,000 रुपये पर मंथ, मतलब 12×5 60,000 रुपये आया,
₹5,000 पर मंथ, ₹5,000 पर मंथ मतलब 5,000 × 12 और 25% ऑफ इनकम। अब इसकी 25% ऑफ इनकम मतलब इनकम हमने 6 लाख ग्रहित रखी थी, तो 6 लाख के ग्रहित हो गया 1,75,000, सॉरी 1,50,000, 6 लाख का 50% 3 लाख रुपए, तो 25% हो गया 1.5 लाख, 1,50,000, राइट। इनमें से जो दम है, दम कौन सा है, 60,000, ये उसको अलाउड होगा डिडक्शन के लिए, राइट। आगे आते हैं तो ATRRB, इसमें क्या होता है कि जो विद्वान लोग होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो अपने रिसर्च के माध्यम से कई प्रकार के पेटेंट, किताब, बुक्स ये लिखते हैं, उस पर उनको रॉयल्टी मिलती है। ये रॉयल्टी इज नो डाउट इट इज एन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो पहले तो इनकम में आएगी, आप जगह के ऊपर में माइनस नहीं कर सकते। नहीं तो आप बोलोगे सर इसके पहले भी तो रॉयल्टी के प्रॉब्लम्स आए, आपने तो उसके अंदर में डिडक्शन नहीं बताया। ख्याल रहो वो गणित मैंने आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के पढ़ाए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का मतलब होता है ये इनकम, पूरी इनकम पहले तय की जाती है, डिडक्शन बाद में मिलता है, जगह पर डिडक्शन नहीं मिलेगा। नहीं तो आप बोलोगे सर रॉयल्टी मिली मैंने वहाँ से ये घटा दिया, तो फिर लोग सब अलग अलग घटाने लगेंगे ना, इसलिए पहले इनकम हाउस की इनकम जमा होगी, अदर सोर्स जमा होगी, कैपिटल गेन जमा हो जाएगा, सैलरी जमा होगी, और जमा होने के बाद जो टोटल इनकम बनेगी खर्चा उसमें से होगा, इंडिविजुअल नहीं होता है। तो रॉयल्टी के रूल है, जितनी उसकी रॉयल्टी की इनकम है वो या 3 लाख रुपए, इन दोनों में से जो कम है, तो सीधी सीधी सी बात है, यदि उसकी रॉयल्टी की इनकम 3 लाख से कम है तो पूरी की पूरी रकम अंडर सेक्शन 80RRB डिडक्शंस के लिए अलाउड हो जाएगी, और यदि उसकी रॉयल्टी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है तो उसको छूट मिलेगी 3। ओके, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट आता है TT है, ब्याज का है ₹10,000, ये सेविंग इंटरेस्ट। कई बार हमको लगता है कि आप सबके सेविंग बैंक में अकाउंट है, अब सेविंग बैंक में अकाउंट है तो सेविंग बैंक में अकाउंट पर हमको मिलता है ब्याज, ये ब्याज भी धारा 80TTA के अंतर्गत अलाउड है डिडक्शन, लेकिन वो 10,000 रुपये तक। यदि आपको सेविंग अकाउंट पर ब्याज मिला है 15,000 रुपये तो 10,000 की छूट मिलेगी, क्योंकि सेविंग अकाउंट का ये जो इंटरेस्ट है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, आपको मालूम होगा 10,000 से कम है तो ये माफ हो जाता है, लेकिन इसके अंदर में डिडक्शंस जो मिलेगा वो ATTTA के अंतर्गत मिलेगा। और लास्ट में आता है ATU, तो ATU ये ATDD का भाई है। ATDD का भाई कैसा है, ATDD में जो फैसिलिटी है वो करदाता के ऊपर डिपेंडेंट व्यक्ति की, उसका लड़का है, लड़की है, बीबी है, मम्मी है, पिताजी है, इनमें से कोई भी फिजिकली या मेंटली डिसऑर्डर है, तब रूल सीधा बताया था 40% से 80% तक गॉन केस हो गया है, 80% तक 40 से 80 मतलब आंशिक रूप से अपंग है, आंशिक रूप से मेंटली डिसऑर्डर है, तो 75,000 तक छूट है, उसके ऊपर है तो 1,25,000 की है। ये छूट करदाता के लिए स्पेशल, मान लो मैं करदाता हूँ, मैं इनकम टैक्स पे करता हूँ और मैं खुद ही आधा पागल हूँ और प्रूव कर रहा हूँ सर्टिफिकेट के द्वारा मेंटली डिसऑर्डर है या मैं फिजिकली अपंग हूँ, तो ये फैसिलिटी मिलेगी, छूट इसमें भी वही है 75,000 रुपये और मैक्सिमम है 1,25,000 रुपये। इन सब का डिटेल बट इंग्लिश में आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मैंने PDF सेंड कर दिया है, 4 से 6 पेज है, पढ़ना तो पड़ेगा, मर्जी आपकी, मेरी तरफ से आपको फैसिलिटी दी गई है, उम्मीद है आप उसका उपयोग करोगे, और ये अंडर सेक्शन 80C to 80U जो मैंने बताया इसको समझोगे। कोशिश करूँगा इसके बाद और एक वीडियो लेक्चर इस टॉपिक पर लेकर आऊँ, और उस समय मैं ऑब्जेक्टिव लेकर के आऊँगा, जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सत्य असत्य है, उस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे और कैसे उसको सॉल्व करना, ये बताने की कोशिश करूँगा, वो आप उसको ध्यान से देखोगे। थैंक यू।